नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। देशभर में प्रख्यात अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने जहां अपना शताब्दी समारोह आयोजित किया, वहीं अब धूमधाम तरीके से एएमयू में अब सर सैयद के बेटे जस्टिस सैयद महमूद के बेटे की बहू बेगम मुशर्रफ जहां के नाम पर एएमयू में रोज गार्डन का उद्घाटन बड़े ही धूमधाम के साथ आयोजित किया गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अब न केवल देश में बल्कि दुनिया में एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में ब्रिटिश सरकार के अनुमोदन से की गई थी। शताब्दी समारोह के अवसर पर जस्टिस सैयद मोहम्मद के बेटे की बेगम मुशर्रफ जहां की पत्नी के नाम पर रोज गार्डन का उद्घाटन सर सैयद हाउस में कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर ने अपनी पत्नी डॉक्टर हमीदा तारिक के साथ किया। रोज गार्डन में 48 अलग अलग प्रकार के गुलाब लगाए जाएंगे। खुशी का इजहार करते हुए प्रोफेसर तारिक मंसूर की पत्नी डॉक्टर हमीदा तारिक ने कहा कि पहले यहां की जमीन खाली और बंजर दिखती थी, अब यहां अलग अलग गुलाब लगाए गए हैं। जाहिर है कि गुलाब एक ऐसी चीज जो देखने में अच्छा लगता है। हमीदा तारिक ने कहा कि आप आजकल बगीचे कहां देखते हैं, दिल्ली में कुछ बगीचे हैं, यहां अब तक विभिन्न प्रकार के गुलाब लगाए गए हैं। जाहिर है कि अगले 7 साल अधिक गुलाब और गुलाब के बगीचे और भी अच्छे दिखेंगे। मुशर्रफ जस्टिस सैयद महमूद सर सैयद अहमद खान के बेटे जहां बेगम लंबे समय तक सर सैयद हाउस ऑफ में रहीं, वहीं अब उनके नाम से एएमयू में पार्क का उद्घाटन किया गया। जी, मुझे बहुत खुशी है कि मैंने इस एक्चुअली ये वाला जो स्पेस जब हम पहले आते थे तो बहुत ही डेसोलेटेड और अनकैम्प्ड सा था, और आज देखकर बहुत ही खुशी हुई कि बहुत फूल और लॉन्स और ये सब देखकर जाहिर है आजकल कहाँ पर ये इतने बड़े बड़े गार्डन्स, तो हम दिल्ली में तो चंद ही ऐसे गार्डन्स हैं जैसे लोधी गार्डन्स और जहाँ पर ये फूल और ये दिखते हैं। और फूल तो हमेशा जब भी कोई उन्हें देखता है तो एक खुशी और एक जज्बा आता है कि खुशी का, और तो ये हमें सबको कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ। बहुत वैरायटी के रोड्स यहाँ मौजूद हैं, बहुत बहुत और बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं, बहुत हमने कभी सुने नहीं, डॉली पार्टन और बड़े अट्रैक्टिव से नाम है, और अभी तो शुरुआत है, तो आइंदा जब हम लोग आएंगे इंशाल्लाह अगले साल तो और भी फूल होंगे, तो पूरी उसकी जो वाइब्रेंसी है और खूबसूरती वो आई थिंक अगले साल हमें देखने को मिलेगी। थैंक यू, शुक्रिया।